हेलो एवरीवन, माय मैं हूँ सेल्फ सूरज। आज हम इस वीडियो में चैप्टर वन इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान। संविधान, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित दस्तावेज है। इसके द्वारा भारतीय शासन प्रणाली, न्याय प्रणाली, कार्य प्रणाली और विधायिका को चलाया जाता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, इन सब के क्या कार्य होंगे, क्या योग्यताएं होंगे, इन सब के विषय में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये जो इतना सुंदर दस्तावेज है, इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही है, यही आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो दो टाइम पीरियड में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। प्री कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम जानेंगे कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की क्या प्रक्रियाएं रही। जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दो फेजेस में इसको डिवाइड किया जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कंपनी रूल, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक रहता है। वहीं पर दूसरा फेज होता है क्राउन रूल, सम्राट का शासन, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक रहता है। तो कंपनी रूल होता है, इस दौरान कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कई सारे एक्ट, बहुत सारे एक्ट आते हैं, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, कई सारे चार्टर्ड आते हैं, जो कि रेगुलेट करने के लिए किसको, कंपनी को, किस द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए समय समय पर काफी सारे नियम या एक्ट आते हैं। तो इन एक्टों के पीछे की क्या पृष्ठभूमि रहती है, थोड़ा सा क्रिप्स पॉइंट में हम अपना बेस तैयार करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें रटने में आसानी रहे। फैक्चुअल चीज है, इनको याद करने में आसानी रहे और एक स्टोरी के रूप में हम इसको देखेंगे। 15 सेंचुरी के अंत तक यूरोप के जो हालत होते हैं कुछ खास होते हैं नहीं। वहां की जो धरती होती है, वहां का जो मौसम होता है और खेती के लिए अनुकूल नहीं हो तो व्यापार के नए मौके खोजने के लिए यूरोप के कई देश अलग अलग उपमहाद्वीपों का रुख करते करते हैं। हैं। इनमें सबसे आगे होते हैं डच, फ्रांस, पुर्तगालियन। भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो सफलता प्राप्त होती है वो पुर्तगालियों को होती है, पुर्तगीज को होती है। इसमें वास्को डी गामा 1498 में भारत के कैलीकट के मालाबार पोर्ट पर आता है और यहां से व्यापार करने की जो यूरोप के अंदर होड़ होती है वो बढ़ जाती है। इस सीरीज में 1600 में व्यापारियों का एक समूह क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट रॉयल चार्टर लेकर, एक घोषणा पत्र लेकर भारत आते हैं और भारत आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी खासी फलती फूलती है। 1757 तक इतनी अच्छी खासी फलती फूलती है कि पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो युद्ध करती है, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है एग्जाम के अंदर, 1757 में। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसके अंदर अवध की जो सेना होती है, मुगलई सेना होती है, और बंगाल के नवाब की जो सेना होती है, इसके खिलाफ युद्ध करती है और यहां से जो युद्ध में सफलता प्राप्त करती है ईस्ट इंडिया या कंपनी। कंपनी।
अक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में दीवानी मिलती है. दीवानी का मतलब राइट ओवर द रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस. और यहां से जो एक व्यापार करने के लिए कंपनी भारत आती है, प्रशासनिक कार्यवाही प्रशासनिक गतिविधियों में भी एंटर कर जाती है. ब्रिटेन में बैठी जो संसद जो सरकार होती है वो इस सब चीजों को देख रही समझ रही थी. थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री में जाते हैं जो एक थोड़ा सा उस समय के जो कंटेम्प्ररी जो चीज हो रही थी उस चीज को समझते. जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है ब्रिटेन से, ऐसे ही एक कंपनी ब्रिटेन से अमेरिका में जाती है, वहां पर व्यापार करती है. लेकिन व्यापार करते करते वो अपने आप को ब्रिटेन से अलग घोषित करती है और एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर देती है. तो यहीं पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे इसके, वो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है. ऐसा ही कुछ भारत में ना हो जाए, क्योंकि भारत में भी एक कंपनी गई है और वो व्यापार के साथ साथ प्रशासनिक गतिविधियों में भी एंटर कर चुकी. तो उस कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आता है. रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 से. और फिर एक सीरीज आती है पूरी इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, जो कि 1858 तक रहता है. 1857 में क्रांति होती है, जिस क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिल जाती. इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी राइट्स थे वो सभी चले जाते हैं ब्रिटिश सरकार क्राउन के अंडर. और 1858 से लेकर 1947 तक भारत पर शासन रहता है ब्रिटिश सरकार का, क्राउन रूल का. नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि 1857 से 1947 तक क्या सिनेरियो रहा, क्या हमें पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. तो देखना नेक्स्ट वीडियो. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.